आज हम लोग बनाएंगे क्रिसमस केक। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो सबसे पहले हाफ कप जैगरी लिया है, गुड़, 1/4 कप हॉट वाटर। अब इसे मिक्स कर लेंगे और 1/4 कप ऑरेंज जूस, इसे भी मिक्स कर लेना है। और फिर कोकोनट फ्लेक्स, डेट्स खजूर, ड्राइड चेरीज, किशमिश, ब्लैक किशमिश, टूटी फूटी कलरफुल। और अब इसे मिक्स कर लेना है और फिर इसे 2 घंटे के लिए सोक करने के लिए छोड़ देना है। अब मैंने 2 चम्मच दही लिया है और अब 1 कप मिल्क, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, घुल जाए दही दूध में। अब इसे साइड कर देंगे और प्री हीट करना है। तो गैस को ऑन किया है और इस पर तवा रखा है और फिर इस पर कढ़ाई रखूँगी। और कोई सा भी जाली या स्टैंड भी आप रख सकते हैं और इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है। 2 घंटा हो गया है और अब इसमें हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक छन्नी लेंगे, उसमें 1.5 कप गेहूं का आटा डालेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर आरारोट, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर। और इसे अब छान लेना है। और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, चारों तरफ से फोल्ड कर लेना है अच्छे से। बैटर मिक्स हो गया है और अब इसमें हम बटर मिल्क डालेंगे, जो दही और दूध से हमने बनाया था ना, पहले 1/2 कप डालना है और फिर इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब फिर जो बचा है उसे हम सब डाल देंगे और अच्छे से इसे फोल्ड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, जब तक कि क्रीमी बैटर रेडी ना हो जाए। तो देखिए एकदम क्रीमी जैसा बैटर रेडी हो गया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट मिक्स करेंगे, 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच बादाम, ड्राइड चेरीज, 1 टीस्पून ग्रीन पिस्ता, 1 टीस्पून, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको अगर जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। हम एक कोई भी कंटेनर लेंगे, घर में टोपिया होता है ना, तो उसे हम ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से अच्छे से। और अब इसमें बटर पेपर डालना है और उसे भी ग्रीस कर लेना है, ये भी ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसे स्कीप करके आप इसमें मैदा डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसे अच्छे से 2 से 3 बार टैप कर लेना है। ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसे अच्छे से टैप कर लेंगे और देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। अब मैं इसे प्री हीट कढ़ाई में डालूंगी और इसे लो फ्लेम में 60-70 मिनट के लिए बेक करना है। ये ध्यान दें कि 40 मिनट के बाद ही इसे ढक्कन को हटाना है, नहीं तो ये क्रैक हो जाएगा। क्रिसमस केक रेडी हो गया है, अब इसे चेक कर लेते हैं ये बेक्ड हुआ है कि नहीं अच्छे से। तो मैंने चेक किया, ये चिपचिपाहट नहीं है, मतलब ये परफेक्टली बेक्ड हो गया है। और अब इसे हम चाकू से चारों तरफ घुमा लेंगे। और इसे अब एक प्लेट में लेके अनमोल्ड करना है।
और फिर इसे हम हल्का सा टैप करेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। और फिर बटर पेपर को भी निकाल लेना है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, एकदम जाली जाली जैसा दिख रहा है और बहुत सॉफ्ट और बहुत मॉइस है। तो जल्दी जाइए, ट्राई करिए मेरे रेसिपी को और बनाइए और बताइए मुझे कैसा बना है। तो है ना सिंपल क्रिसमस केक बनाना, ना मैदा यूज़ किया है, ना अल्कोहल है, ना एग है, और सबसे आसान क्या है, इसे मैंने कढ़ाई में बनाया है। तो अरे अरे रुको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। थैंक यू।